बांडीपुरा गुरेज रोड पर अभी हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुबह जो हमने तस्वीरें दिखाई थी लैंडस्लाइड की, इस रोड पर वो मेरे पीछे बिल्कुल मौजूद है। मैं अभी ग्राउंड जीरो पर आ गया हूं और यहां पर कई सारे जो है इलाके के लोग यहां पर आ गए अभी, क्योंकि इलाके लोगों में जो है वो तश्वीश की लहर फैल गई है इस बात को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि जो किशनगंगा के जो टनल है, जो पावर प्रोजेक्ट की जो टनल है, वो कहीं ना कहीं लीक है, जिसके चलते ये स्लाइडिंग यहाँ पर हो रही है। बहरहाल इन सब बातों को देखने के लिए यहाँ पर जिला इंतजामिया की पूरी टीम आई है और डीसी बांडीपुरा खुद आए, एसएसपी बांडीपुरा उनके साथ रहे और सीआरपीएफ कमांडेंट के साथ साथ बीकन के अहदेदारों के साथ साथ एनएचपीसी के अहदेदार भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने बगौर इस बात का मायना किया और जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर ये स्लाइड यहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन इसके नीचे आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरामैन आपको दिखाए कि इसके नीचे ये जो नाला है और इस नाले से जो ये स्लाइड हो रहा है, नीचे होकर जाके यहाँ पे एक बस्ती है, गुंजान बस्ती है यहाँ पर, तो खतरा है कि ये शायद अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा स्लाइड होता है तो इस बस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने इस बात का बगौर और सीरियसली मायना किया अभी यहाँ पर मौके पर आकर, तो उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि किसी भी तरह का कोई मसला हो इंतजामिया उनके साथ भरपूर रहेगी। जब से ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, हमारी यही फरियाद रही है कि मेहरबानी करें, हमारे सेफ ले जाएं, सेफ एरिए में छोड़ें ताकि हमारी जानें बच सकें। आज भी हमारा मेन इशू मुद्दा यही है कि हमें सेफ्टी दे दो और वो जगह हमें दे दो जहाँ पे हमारे बच्चे परिवार सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। बाकी हमें इसमें कुछ नहीं है सर, क्योंकि इन्होंने उस वक्त हमें 5 किलोमीटर दूरी का एक फैसला दिया था और ये बस्ती जो है इसका उस वक्त भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट किया बनाया था कि ये 5 किलोमीटर के अंदर जितनी भी है ये अफेक्टेड एरिया और इनको कहीं किसी ना किसी वक्त खतरा है, तो वो खतरा आज मतलब जाहिर तौर दिख रहा है। हर एक को मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में अभी हमारा एडवाइजर साहब भी आया था, मैंने उस दिन भी एडवाइजर साहब के नोटिस में लाया कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये इस इलाके को ले डूबेगा। तो इससे पहले ब्लॉक दिवस 2-4 बार भी हुआ, उस टाइम भी मैंने बताया, डी साहब को भी इस बारे में बताया। ये 2007 से मसला ये चल रहा है कि इसमें लीकेज हो रही है, लीकेज की वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी पहाड़ी खिसकने का खतरा शुरू हो गया, आज शुरू हो गया, एक गांव को निकालना पड़ा, पूरे रात भर पूरे गांव जगह कर था, अब दूसरे जगह इनको शिफ्ट किया। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के से गुजारिश करता हूँ कि अगर इसका अजाला आज नहीं हो जाएगा तो फिर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को ले डूबेगा। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब बांडीपोरा का और एसएसपी साहब आए थे और अपने डिपार्टमेंट बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट उनके साथ हमरा थे, उन्होंने खुद मौके पर जाके इस बात का जायज़ा लिया कि वाकई लोगों में कितने मुश्किलात है, पहाड़ी निकल रहा है, तो वो इस बारे में डीसी साहब और एसपी साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उधर आए थे इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। हमें कल रात को जैसे इंटीमेशन आई इस चीज़ की कि यहाँ पे दोबारा से लैंडस्लाइड हो रही है और नीचे एक बस्ती भी है जिसको खतरा हो सकता है, तो इमीडिएटली हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे रश टू द स्पॉट, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे पुलिस के कर्मचारी, रेवेन्यू के ऑफिसर्स और उसके साथ साथ एनएचपीसी का स्टाफ भी आया और उन्होंने ऊपर जाके जो यहाँ पे टीबीएम है जहाँ से एनएचपीसी का बाकी काम चल रहा है उसका भी जायज़ा लिया। तो ये क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो बारिशें हो रही थी लगातार और जो जिस तरह का स्ट्रेटा हम देख रहे हैं पहाड़ का, उसकी वजह से लूज़ सॉइल होने की वजह से कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड्स आईं और उन लैंडस्लाइड्स से ये जो नीचे बस्ती है इनको थोड़ी सी अप्रिहेंशन थी कि ये पत्थर नीचे आ सकते हैं और घरों को डैमेज कर सकते हैं। हालाँकि अभी तक कोई डैमेज नहीं है और जो लैंडस्लाइड है वो बस्ती से दूर है, बट हम पूरे प्रिकॉशन लेते हुए इसमें जो एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो आके पहले इसको एग्जामिन करेगी और जब वो सेफ्टी इसका देख लेंगे और पूरी तरह से ठीक होगा और इसका वजह देख लेंगे कि क्या ये खाली बारिशों की वजह से है या कोई और वजह है, तो उस हिसाब से फैसला करने तक हम लोग जो लोग हैं यहाँ के उनको सेफली जो बिल्कुल इसके लाइन में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से हमें अगर रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं और ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये विद इन अ वीक अपना रिपोर्ट वगैरह दे देगी, तो वी कैन गेट इन टू अ फाइनल डिसीजन कि इसमें आगे क्या करना है। ये नहीं, यहाँ से टनल दूर है और जो ये टनल जो ये 600 मीटर के करीब मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ से इसका डिफरेंस है लगभग 600 मीटर से 800 मीटर, लेकिन वो जो टनल है वो स्टील फ्रेम्ड है जैसा कि मुझे बताया गया है और वो स्टील टनलिंग से पानी का निकलना, इफ्यूजन होना मुश्किल है और एनएचपीसी के थ्रू इसकी पूरी जाँच की गई कल रात को लगभग 2 बजे तक, जो हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ एनएचपीसी स्पॉट पर ही थे और साथ ही साथ में उन्होंने जो एक ऑब्जर्वेशन ली है वो ये है कि अगर इनकेस कभी पानी
डिफ्यूज़ होता है, बाहर निकलता है, तो प्रेशर नीचे ड्रॉप होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से पानी की फ्यूजन की हमें प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, बट फिर भी हम इसकी एक पूरी डीप जांच करेंगे और अगर ऐसा कुछ भी निकल के आता है तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा लगेगा कि ये डेंजर में है और ये खतरा इन पे बना रहेगा स्टेटा की वजह से या किसी भी वजह से हो वो, तो हम जो भी हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं वो हम ले लेंगे। किसी भी तरह के खतरा से निपटने के लिए जिला इंतजामिया चाकर चौबंद है और साथ ही साथ एक टीम आएगी जो इसका बगौर इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसका मुलायजा करेगी। ये कहना था डीसी बांडीपुरा का। चकमत्री गांव बनकूट से कैमरामैन असरार हक के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं इनामुल हक। यतीम एक छोटा सा लफ्ज मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकते और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से जायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज्जम इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशन्स इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तियाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तियाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आई बॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।